इमरान खान की सत्ता खत्म हो गई है। पाकिस्तान के पीएम का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन आजादी के बाद से आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। 1947 के बाद से वहां की कोई भी सरकार आज तक 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई है। 1947 से अब तक पाकिस्तान में 26 प्रधानमंत्री हुए, इनमें से 7 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। 26 में से 7 केयरटेकर प्रधानमंत्री को छोड़ दें तो कुल 19 प्रधानमंत्री हुए हैं, लेकिन इनमें से किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का आलम शुरुआत से ही रहा है। आजादी के शुरुआती 10 साल में पाकिस्तान ने 10 प्रधानमंत्री देखे। और वहीं पाकिस्तान नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के बाद सदन को संबोधित करते हुए पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने यह कहा कि आज पाकिस्तान संविधान और कानून को फिर से स्थापित करना चाहता है। पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने कहा कि हम किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजार लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, इंसाफ अपना रास्ता लेगा। और इमरान खान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान के अब अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं। वो नवाज शरीफ के बाद पीएमएलएन के अध्यक्ष बनाए गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं और उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से की थी। वो 13 अगस्त 2018 से नेशनल असेंबली के सदस्य हैं और इससे पहले वो 3 बार पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 10 अप्रैल का ऐतिहासिक महत्व है। उन्होंने सदन को याद दिलाया कि 10 अप्रैल को ही सदन ने 1973 का संविधान पारित किया था। साथ ही बिलावल ने यह कहा कि पुराने पाकिस्तान में आपका स्वागत है। अप्रैल 1973 में इस हाउस ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव किया था। बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था। आज 10 अप्रैल 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी और पीएमएलएन के नेता मरियम नवाज ने इमरान पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान के इतिहास के सबसे बुरे दौर का अंत हो गया है। हम ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाते हैं और उनके मार्गदर्शन और सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति द्वारा हमारी मातृभूमि को हुए नुकसान की भरपाई की एक कठिन यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है, इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में इमरान के देश छोड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी अपील की गई है। फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी इमरान सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और अब इनके खिलाफ याचिका लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। और याचिका में इमरान खान के देश छोड़ने पर रोक लगाने की मांग की गई है। पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन सबसे लंबा कार्यकाल जिन प्रधानमंत्रियों ने किया है उनमें सबसे पहला नाम यूसुफ रजा गलानी का है। वो 4 साल 86 दिन तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, जबकि लियाकत अली ने 4 साल 63 दिन तक पाकिस्तान की कमान संभाली। इसके बाद तीसरे नंबर पर नवाज शरीफ का कार्यकाल रहा और उन्होंने 4 साल 53 दिन तक पाकिस्तान पर राज किया। नवाज शरीफ के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो का नंबर है, उन्होंने 3 साल 325 दिन तक पाकिस्तान की कमान संभाली। जबकि 5वें नंबर पर इमरान खान है, उन्होंने 3 साल 232 दिन तक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री पद संभाला। और कल दिन भर पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी उछापटक का दौर रहा और देर रात चले इस हंगामे के बाद आखिरकार इमरान खान की सरकार विदा हो गई। हलचल शाम को उस वक्त बढ़ गई जब संसद की कार्यवाही शुरू हुई। आपको शाम से देर रात तक चली पाकिस्तान की पूरी हलचल सिलसिलेवार तरीके से एक बार बताते हैं। शाम 7 बजे पाकिस्तान की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने से स्पीकर असद कैसर ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अब मैं अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराकर इमरान खान के साथ धोखा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। स्पीकर ने इमरान के साथ 30 साल लंबे रिश्ते की दलील दी और वोटिंग की अनुमति देने से इनकार कर दिया। रात 8:40 पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली में हंगामे के बाद कार्यवाही रात 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता
मुस्तफा नवाज ने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर आर्मी चीफ बाजवा से दखल देने की मांग कर दी। और रात 8:57 पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की नेता मरियम नवाज ने इमरान खान का नाम लिए बिना उन पर हमला बोला और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताते हुए इमरान खान को गिरफ्तार कराने की मांग कर दी। रात 9:53 पर पाकिस्तान के मुख्य सचिव ने इमरान खान की सुरक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी। उन्होंने मुख्य सचिव से पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान के लिए सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की। इससे इमरान सरकार में मंत्री शेख रशीद ने भी पद छोड़ने के बाद सुरक्षा की मांग की थी। रात 10:01 पर नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ने स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने की सलाह दे दी। नेशनल असेंबली के सेक्रेटरी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो आर्टिकल 6 सभी पर लागू होगा। पाकिस्तान के आर्टिकल 6 के मुताबिक कोई भी आदमी संविधान के खिलाफ जाता है और असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाने की कोशिश करता है तो उसे देशद्रोह माना जाता है। रात 10:16 पर अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले इमरान खान ने स्पीकर असद कैसर के साथ बैठक की। बताया गया कि इमरान और स्पीकर के बीच वहां चल रहे सियासी हालात और सरकार बचाने की आखिरी कोशिश की रणनीति बनाने पर चर्चा हुई और इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद स्पीकर असद कैसर सीधे संसद की ओर रवाना हो गए। रात 10:46 पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अधिकारियों को रात 12 बजे तक कोर्ट खोलने के आदेश दिए, जिसके बाद पाकिस्तान में चल रही सियासी हलचल और तेज हो गई। कई लोग इमरान की गिरफ्तारी की अटकलें भी लगाने लगे। रात 10:59 पर क्या हुआ, लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अहम फैसला हुआ। इस बैठक में धमकी भरे पत्र साझा करने की मंजूरी दे दी गई और इस खत को नेशनल असेंबली के स्पीकर, सीनेट के सभापति, चीफ जस्टिस के साथ साझा करने को स्वीकृति दे दी गई। वहीं रात 11:31 पर पाकिस्तान में माहौल और ज्यादा बिगड़ गया, क्योंकि सियासी उठापटक और बैठकों के बीच इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर गए। इन लोगों ने इस पाकिस्तान के कई शहरों में इमरान के समर्थन में नारेबाजी की, जबकि अमेरिका के खिलाफ भी जमकर प्रदर्शन किया गया। वहीं रात 11:35 पर इमरान खान का एक और बयान सामने आया और उन्होंने फिर एक बार सिस्टम के खिलाफ लड़ते रहने का दावा किया। साथ ही उन्होंने आशंका जताई कि उन्हें जेल भेजा जा सकता है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने बिना डरे हुए देश के लिए लड़ते रहने का दावा कर दिया। वहीं रात 11:47 पर पाकिस्तान के सभी एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही सभी अस्पतालों को भी अलर्ट पर रहने का आदेश दे दिया गया। बताया गया कि पाकिस्तान से सभी VIP लोगों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। रात 12:12 पर पाकिस्तान की संसद में इमरान को एक और बड़ा झटका लगता है। वहां स्पीकर असद कैसर ने इमरान के साथ अपने मजबूत रिश्तों का जिक्र किया और अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उनके साथ डिप्टी स्पीकर ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं रात 12:22 पर पाकिस्तान की संसद में वोटिंग शुरू करवाने का ऐलान हो गया, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी के सांसद नाराज हो गए, उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। वहीं रात 12:36 पर इमरान खान भी प्रधानमंत्री आवास छोड़कर निकल गए। सामने आई तस्वीरों में वो एक हेलीकॉप्टर से रवाना होते हुए दिखाई दिए और बताया गया कि इमरान खान PM आवास से अपने बनीगाला घर के लिए निकले हैं। वहीं रात 12:43 पर इमरान खान के देश छोड़ने पर रोक लगा दी गई और इससे जुड़े आदेश भी जारी कर दिए गए, जबकि दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में भी इमरान खान के साथ फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी याचिका दायर की गई और तीनों के नाम